गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग कॉटन बड की हेल्प से अपनी पेंटिंग बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या क्या आपको चाहिए। आपको वाटर कलर लेने हैं, वाटर कलर ट्यूब वाले ले सकते हैं या पोस्टर कलर की बॉटल्स होते हैं, कोई भी आप वाटर कलर ले सकते हैं। इस तरह से जो भी कलर आपको लेने हैं आप अलग पहले से निकाल लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए बड ली हमने। आप या तो क्या कर सकते हैं, स्केच पेन से आप पहले उसकी फ्लावर की, हम लोग अभी फ्लावर बनाने जा रहे हैं, पहले हम लोग फ्लावर की इस तरह से डंडी बना ली। अब हम लोग क्या करेंगे, बड लेंगे, इस पर डिप करेंगे। देखिए डिप किया और फिर इसके डंडी के जो हमने बनाई थी उसी के इस तरह से हम लोग बड को फिर लेंगे अगर कलर ख़त्म हो गया, और फिर हम लोग इस तरह से डिप करके इसको डंडी के इस तरफ इस तरह से करते जाएंगे। दूसरा कलर लेना है तो आप दूसरा कलर डिप कीजिए इस तरह से, और फिर ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। बस डंडी के दोनों साइड हमको कलर ले करके डॉट 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 लगा देंगे। देखा ना बच्चों, सिंपल है। दो कलर लेने हैं, एक ही में ऑरेंज एंड रेड भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको। इस तरह से हमको ये देखा बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। बस डॉट डॉट दो कलर लेने हैं साथ में, आप नीचे रेड लगा सकते हैं और फिर मिक्स करके इस तरह से बना सकते हैं। फिर उसकी लीफ बनाने के लिए आप ब्रश से बना सकते हैं, आप स्केच पेन से बना सकते हैं, किसी से भी आपको जो भी आपको इजी लगे आप इसकी लीफ बना दीजिए। है ना सिंपल बच्चों। अब आप भी बनाएंगे, और एक तो ये हो गया, अगर आपको कुछ और भी बनाना है तो देखिए क्या करते हैं करेंगे हम लोग। बड लिया, अब हम लोग बनाएंगे एक ट्री। तो पहले हम लोग ट्री के लिए उसका बेस बना लेंगे, सिंपल सा इस तरह से किया, ट्री का ये नीचे का पोर्शन आ गया। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से ब्रश में कलर लिया और उसकी ब्रांचेस बना दी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ब्रश रख देते हैं। अब हम लोग या तो एक एक कॉटन बड से लेकर के कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक साथ भी दो तीन कॉटन बड ले सकते हैं। इस तरह से इकट्ठा किया, ये देखिए इकट्ठा करके अब क्या करेंगे, डिप किया इसमें और ऐसे एक साथ करने से क्या होगा, जल्दी से हमारा पेंटिंग बन जाएगी। अब हमने नीचे ये डार्क ग्रीन लगाया है, फिर उसके ऊपर हम लाइट ग्रीन लगा दे रहे हैं, डिप किया लाइट ग्रीन लगा दिया, और फिर हम इस पर येलो कलर लगा रहे हैं। ये देखिए मिक्स करके डिप किया कलर, और फिर हम इस तरह से ग्रीन एंड येलो लेकर के हमने ये अपना ट्री बन गया। देखा बच्चों, अब आप भी अपने कॉपी निकालिए और इस तरह से एक पेंटिंग बनाइए। थैंक यू।